जब अपने घर शीशे के हों तो अच्छी खबर, तीखी खबर, सच्ची खबर, आम खबर, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा जाना ये मानव का स्वभाव होता है। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, खासकर अगर हम सदन की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, तो उनकी जो सीमा है भड़कने की या फिर गुस्साने की, वो कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं नेताओं का जो बयान आ रहा है, उनका जो गुस्सा आ रहा है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज जो तस्वीर आ रही है वो है आपे से बाहर सियासत। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपे से बाहर सियासत में। आज देश में जिस तरह की सियासत हो रही है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। कभी कांग्रेस तो कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कोई और पार्टी, लगातार जिस तरह से उनका रिएक्शन आता है सवाल के बाद, उनका जो भड़कना होता है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में आज़ादी सबको मिली हुई है अभिव्यक्ति की, उसके बावजूद जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बातचीत होती है, बहस होती है, तो उसमें एक शालीनता की उम्मीद की जाती है। आम आदमी यही चाहता है कि हमारे नेता जो हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता में हो, अपना एक अलग तरीके से अपनी छवि बनाए। उसके बावजूद जिस तरह से अभी राहुल गांधी का नया स्वरूप सामने आया है, नया अवतार जो उनका जो दिख रहा है, उसी तरह से विनोद तावड़े का भी एक नया रूप देखने को मिला है। जाहिर है कहीं ना कहीं से कई सवाल पैदा करता है कि एक जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल करता है तो वो कितना जायज़ है। और इस खास चर्चे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जुड़े हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो भाषा है वो कितनी सही है या गलत है आपके हिसाब से? देखिए, अभद्र भाषा किसी भी सूरत में स्वीकारने योग्य नहीं है अवनींद्र। चाहे फिर यदि आप किसी पार्टी का नेतृत्व करते हैं या फिर आपकी किसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको खास तौर पे ये समझना चाहिए कि आपके उस ओहदे की गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखना ये आपका पहला फर्ज होना चाहिए। और खास करके इन दिनों तो भारतवर्ष के पवित्र संसद के दोनों सदनों में अवनींद्र मानसून सत्र शुरू है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन यदि हैट्रिक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तीसरे दिन भी लगातार सदन के कामकाज को स्थगित कर दिया गया। मामला ललित गेट का हो, मामला वसुंधरा राजे का हो, मामला चाहे रॉबर्ट वाड्रा का हो, तमाम चीजों को लेकर मानो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नूरा कुश्ती सी मची हुई है। लेकिन जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, क्योंकि ये संबंध रखता है उन लोगों को जो राजनीति के शीर्ष माने जाते हैं और शीर्ष पायदान पर उनकी गिनती करी जाती है। यदि वो लोग मंच हो, व्यासपीठ हो, भाषण देने के दौरान जब वह मंच पर चढ़ते हैं नेता, और सामने जब जनता होती है तभी भी उन गलती कर ही जाते हैं। मीडिया का कैमरा हो वहां भी गलती कर जाते हैं। संसद के पटल पर किस तरीके से उनका व्यवहार होना चाहिए, कितनी शिष्टाचार उनके भीतर होनी चाहिए, यह अपेक्षा करती है देश की जनता। लेकिन जिस तरीके से नूरा कुश्ती मचती है संसद के सदनों में, या फिर विधानसभा की बात कर लीजिए, विनोद तावड़े साहब को ले लीजिए, विनोद तावड़े साहब अपना आपा इस कदर
खो बैठते हैं, भले ही चाहे विपक्ष आपके ऊपर हमले कर रहा हो, आप उसकी शालीनता से जवाब दीजिए, माकूल जवाब दीजिए। आप भड़कते हैं, अर्थ तो इसका अनर्थ भी हो सकता है, इसका साफ साफ अर्थ ये निकलता है कि आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं से सही नहीं है। और ऐसे में वो जनता जिसने आपको चुनकर उस सदन तक पहुंचाया है, देश हित के लिए, जनहित के लिए, जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आवाज बुलंद करने के लिए, लेकिन बजाय ये आवाज उठाने, बजाय जनता की बातें करने, आप एक दूसरे पर छींटाकसी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां लगाते हैं। जबकि इतने शीर्ष नेता अवनिंद्र की कोई कल का लड़का तो है नहीं कि राजनीति में वह प्रवेश किया हो और वह गलती करे, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन यदि आप इतने सीनियर मोस्ट लीडर होने के बावजूद आप उस गरिमा को नहीं बरकरार रख पाते, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और अगर हम बच्चों के स्कूल की बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि हम बच्चों के स्कूल में बैठकर ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। लेकिन संजय, सबसे बड़ा जो खतरा है, अक्सर आपने देखा कि जो भी मीडिया का काम है दिखाने का, उसके बाद कई बार आरोप लगा है मीडिया पर कि तोड़ मोड़ कर हमारे बयान को पेश किया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये तो कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है और इसकी आपको अधिकार है, आपको अपने अपना पक्ष रखने का, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, पार्टी के नेता हैं, प्रतिनिधि तो करते हैं आप किसी पार्टी का, तो उसके तरफ से आपको विपक्ष पे विरोधियों पर निशाना साधने का पूरा हक है। लेकिन आपके पास कोई तथ्य होना चाहिए। आप कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती अवनिंद्र, यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे जिन्हें युवराज कहता है कोई, कांग्रेस का उपाध्यक्ष कहता है, कांग्रेस का भविष्य कहता है, चाहे कांग्रेस के कितने भी कद्दावर नेता हो, शीर्ष नेता हो, सभी लोग राहुल गांधी की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। और राहुल गांधी कभी कुछ दिनों के लिए अज्ञातवास पर चले जाते हैं, फिर उनकी एक अचानक एंट्री होती है। ये जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, आज का जो चलन है राजनीति का, उसे सही नहीं माना जा सकता। यह गिरी हुई राजनीति की पराकाष्ठा कही जाती है। प्रधानमंत्री अपने आप में किसी पार्टी का नेता नहीं होता अवनिंद्र, वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में उसके बारे में बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए आज के नेताओं को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम यहां किसी भारतीय जनता पार्टी की ना ही चापलूसी करने बैठे हैं और ना ही उनके तरफ से कोई पैरवी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पाक साफ है। यदि पाक साफ होती तो पिछले दिनों आपने देखा होगा, घर वापसी की बात हो, धर्म परिवर्तन की बात हो, राम मंदिर के मुद्दे की बात हो, सांप्रदायिक भावना भड़काने की बात हो, हर बार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरती नजर आती है। जबकि कांग्रेस पार्टी भी कोई दूध की धूली नहीं कही जा सकती। लेकिन संजय, ठीक है, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि आखिर नेताओं ने किस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया और क्या एक्सप्रेशन है दोनों के, राहुल गांधी और विनोद तावड़े को देखते हैं। वो हवा में बात करते हैं, जो भी इनके दिल में आता है ये कह देते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी आस्ते 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 जमीन में जा रही। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ललित मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, ललित मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। व्यापम के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। तो हम विपक्ष हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन हो, हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहें जनता को लगे कि कुछ कहा है, कुछ शक्ति होनी चाहिए उन शब्दों में। नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन। सुषमा जी ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट भगोड़ा है, उसको साइन करके दिया है। वहां के हाई कमिश्नर को मालूम भी नहीं, हिंदुस्तान की सरकार को मालूम भी नहीं, उनके परिवार का बिजनेस है इनके साथ। तो ये हम सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी को रिस्पॉन्स देना है। अभ्यासू नियमाचे अध्यक्ष साधा है, अपने हाथ सुधारित उत्तर माननीय चव्हाण साहब आहेत, याच्यामध्ये का मगाशी सामूहिक जबाबदारी मास्कर बोलवते ना, घेतो ना सामूहिक जबाबदारी, याला काय अर्थ आहे, याला अर्थ काय,
तिथे दादागिरी झाली साहेबांची. हे बघा आम्हाला उत्तर द्यायचं, उत्तर हवंय का तुम्हाला? का नको? मला विधिमंडळ कामकाज म्हणून गोष्ट दिसतंय. सामूहिक जबाबदारी मानतोय अध्यक्ष महाराज. आपण सामूहिक विधिमंडळ कामकाज म्हणून जी गोष्ट दिसतंय म्हणणं तर मला सभागृहाच्या निदर्शनाला आणायची आहे. आमचं म्हणणं तर उभे उभे करा का? आता घाबरता का? आता घाबरता का? मी उत्तर खरं देईन म्हणून बाबा ऐका की मग ऐका अध्यक्ष महाराज. सुधारित उत्तरामध्ये दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर बदललेलं आहे, त्यामुळे सुधारित आलंय क्रमांक एक. क्रमांक दोन, आधीच्या उत्तरामध्ये पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असं असेल तर पुरवणी मागण्या काल मान्य झाल्या. तावडेजी आज ते अर्धवट होईल आणि त्यामुळे दुरुस्ती आली. एवढं काय चिडता येतात? सुरुवातीला जे उत्तर दिलं होतं, सुरुवातीला जे उत्तर दिलं होतं वाक्य काय? जातीयवाद करता निघे, जातीयवाद करतात बरोबर असं चालतं का? ठीक आहे भास्कर, जे बोललं असेल ते रेकॉर्ड. तो जो शालीनता होती है उसको अपने तरीके से लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं. और जाहिर सी बात है विपक्ष का काम है सवाल करना, ताकि उनको भी कहीं जवाब देना पड़ता है. संजय, ये जो संस्कार अगर हम भारत की बात करते हैं तो बड़े बड़े हमारे यहाँ नेता हुए हैं, उनको लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन ये जो वर्तमान में जो स्थिति बनी है इसके पीछे जो मानसिकता बदली है, जो जिस तरह से बड़े बड़े आरोप लगते हैं, क्या वो बौखलाहट भी इसमें शामिल हो जाती है? देखिए अवनीन्द्र, ये इसको मुंबई के लैंग्वेज में इससे हम सीधे सीधे गली की दादागिरी कहेंगे. और ये विधानसभा में ये दादागिरी पहुंच गई है. किसी गली कुच्चे के एक असामाजिक तत्व द्वारा जिस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का प्रयोग इस विधानसभा जैसे एक पवित्र स्थल पर किया जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. और खास करके विनोद तावड़े कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और शिक्षण मंत्री हैं वह महाराष्ट्र के. और जिस तरीके से विपक्ष का काम है घेरना, विपक्ष का काम है तंज कसना, लेकिन उसके बदले आपका जवाब कितना माकूल होना चाहिए, कितना सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, इसकी जवाबदारी आपके भीतर होनी चाहिए. इसकी जवाबदारी हर उस विधायक की होती है अवनिंद्र. लेकिन यहां पर आपने देखा वो बहस कर रहे हैं, चूंकि इन दिनों महाराष्ट्र में भी मानसून सत्र शुरू है. रोज किसी न किसी, कभी चिक्की घोटाला, कभी बिस्किट घोटाला, कभी फर्जी डिग्री घोटाला, कई घोटालों से सराबोर ये मानसून का जो सत्र है ये बयां कर रहा है कई कहानियों की दास्तान. और खास करके नेतागण कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती, और उसी की कहावत यहाँ चरितार्थ होते दिखाई दे रही है. यानी मानसून सत्र में शालीनता की छतरी आप नहीं देख पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, एकदम दुरुस्त कहा आपने अवनिंद्र. आपने देखा शिक्षा मंत्री है विनोद तावड़े और वो कह रहे हैं एनसीपी और जो विपक्ष दल के जो विधायक है उनके ऊपर उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि आपने जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि वहां पर विधानसभा अध्यक्ष हैं. यदि उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता, यदि उन्होंने मध्यस्थी नहीं की होती, तो जो माहौल है विकट भरा होता. और आज ये पता चल जाता कि शब्दों के भंडार इनके पास कितने हैं, जिसका ये एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सीधे सीधे जिसे शालीनता भरा नहीं कहा जा सकता. बिल्कुल, अगर हम नीतीश कुमार को याद करें तो आपको याद होगा उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही लोगों ने समझा ही नहीं. चंदन पर सांप लिपटने की बात कही थी उन्होंने, और जनता दल यूनाइटेड को लगा, यानी राजद को लगा, माफ कीजिएगा, राजद को लगा कि लालू यादव के ऊपर कहीं ना कहीं से तंज कसने की कोशिश की है. बिल्कुल, लेकिन जब आदमी नहीं समझ पाता है तब सामने से वापस उन्होंने कहा कि मेरा मकसद लालू से नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी से था. अब देखिए यहां पर भी एक राजनीति देखने को मिली है. पहले आप बयान देते हैं और कहते हैं कि तुनीर से निकला बाण और जो जुबान से निकली जो वाक्य है, शब्द है, वो वापस नहीं आ सकते अवनिंद्र. आप उनको सुधार सकते हैं, आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर से दुरुस्त नहीं कर सकते. चूंकि साफ तौर पर जो दोहा उन्होंने इस्तेमाल किया है कि चंदन के लकड़ी पर यदि सांप का लिपटान पाया जाए तो उस समय की स्थिति क्या होती है, उसका असर चंदन पर नहीं पड़ता है. खुद की उपमा जनता दल यूनाइटेड की तुलना उन्होंने चंदन से कर दी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुलना उन्होंने सांप से कर दी है, भुजंग से कर दी है. और उसके बाद बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं सचिन सावंत जी. सचिन जी बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार.
आज हमने विनोद तावड़े का एक नया रूप देखा। अगर हम संसद की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा नाराज थे। अगर हम महाराष्ट्र के विधानसभा की बात करें तो बहुत ज्यादा आपा खोता हुआ नजर आया पूरा दृश्य जो है। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की जो सियासत है वो आपे से बाहर होती जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर, और ये बहुत ही घातक है लोकतंत्र के लिए, जिस तरह से एक तरीके का अलगाव की भूमिका, असंवेदनशीलता की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में दिखा रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अनैतिकता के प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार किए जा रहे हैं, हम लोगों ने एविडेंस भी दिए हैं, एविडेंस के साथ प्रूव किया है, न्यायालय कह रहा है कि इसमें गलत हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक तरह से कहती है कि ये हम लोग चिक्की जैसे घोटाले के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको हमने रोका है, तो पूरी तरह से साफ सुथरी तस्वीर जो है कि भ्रष्टाचार की नजर आते हुए भी किसी के ऊपर कार्रवाई न करना, अनदेखा करना, और फिर ये देखना कि लोग कुछ महीने के बाद में भूल जाएंगे इस ऐसे प्रकार को, तो ये जो प्रक्रिया का अवलंब ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। ऐसी असंवेदनशील सरकार होना, इसके दुष्परिणाम जो है दूर दूर तक जाएंगे लोकतंत्र के लिए। जी, अगर हम प्रधानमंत्री के पद की बात करें तो उसकी गरिमा होती है कि नहीं, आपके नजर में बताइए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद की बहुत ही बड़ी गरिमा होती है, लोकतंत्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन ये उनकी अहम खुद की जिम्मेदारी है। नहीं, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री हवा में बात करते हैं, सुषमा स्वराज को जेल में होना चाहिए, इस तरह की जो भाषा आती है, ये तो जिम्मेदारी की बात कर रही है, ये भाषा हवा की बात नहीं है। यही नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहा, उस वक्त इनका जो बर्ताव था वो क्या गरिमा के लिए शोभादायक था? उन्होंने जब कहा पाकिस्तान के खिलाफ, ये बहुत ही इससे आरोप कर रहे हैं, कमजोर प्रधानमंत्री का रूप उन्होंने दिया था, उस तरह से शिकंडी को उनको कहा था, जिस तरह से यशवंत सिन्हा जी ने कुछ कहा था, आपको सभी उनके विधान मिलाकर ऐसे तो जयराम रमेश ने भी नरेंद्र मोदी को मौनेंद्र की उपमा दी थी। तो यही तो, ये तो मतलब मैं यही समझता हूँ कि इससे ये साबित होता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या वो अलग भूमिका में थी विरोधी पक्ष में, विपक्ष में होते हुए वो अलग भूमिका में दिखाई देगी और सत्ता में आके वो पूरी तरह चरित्र की बातें करेगी? तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो दोगली राजनीति है इसको सामने नजर लेके आना, यही तो विरोधी पक्ष का काम होता है। हाँ, सचिन जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गणेश पांडे जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता हैं। गणेश पांडे जी, आपने सुना होगा कि वाकई किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आज लोकतंत्र में, खासकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? बड़ा राजनीति जिस तरह से देश की बदल रही है जी, जिस तरह देश मोदी जी को विकास की ओर और देश को लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपने विनोद तावड़े को आज देखा सदन में, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से हाव भाव थे उनके? नहीं, विनोद तावड़े जी ने कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। विनोद तावड़े जी, राजकुमार बटोले जी जो अपने मंत्री हैं, ठीक है, एससी के, वो एक विश्लेषण कर रहे थे, किसी प्रश्न का जवाब उत्तर दे रहे थे, उसमें बीच में भास्कर यादव जी ने कोई टिप्पणी की है जी। मैं क्लियर उस बारे में नहीं जानता हूँ फिलहाल, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मेरे समझ में आया, कि विनोद जी कोई स्पष्टीकरण दे रहे थे, उस बीच में कई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई विरोधी पक्ष के आमदार ने या किसी, शायद भास्कर यादव या किसी अन्य ने किया है। तो खैर, आप देखेंगे कल पार्लियामेंट नहीं चलने दिए कांग्रेस वाले, बल्कि अरुण जेटली जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि हम हर विषय के लिए चर्चा के लिए तैयार है, आप जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहे, जिस विषय पे बात करना चाहे, हम चर्चा के लिए तैयार है, आप सदन को चलने दीजिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रहा, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि इस तरह से भड़काऊ अंदाज में वो नजर आए, संजय आप समझाइए उनको। बिल्कुल। हाँ। गणेश जी, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना बताइए कि जनता जो अपेक्षा करती है जनप्रतिनिधियों से, उस कसौटी पर जनप्रतिनिधि खरे उतर पाते हैं क्या, नंबर एक? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं जनप्रतिनिधि की हर व्यक्ति के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता जी, पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं मोदी जी के राह पर चलकर और विकास करने की, ये कर रहे, जितनी योजनाएं पंत प्रधान जी ने लाई है,
इस समय में, मेरे ख्याल से गत 15 सालों में मैंने कांग्रेस में ऐसी कोई योजना नहीं देखी थी। वो सारी बातें आपकी दुरुस्त है, हर पार्टी का नेता पांडे जी, हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी को गलत नहीं कहता, हम आपकी बात मानने को तैयार है कि नरेंद्र मोदी साहब कई योजनाएं ला रहे हैं। भाई साहब मैं भी ये जानता हूँ कि कोई हलवाई अपनी मिठाई खराब नहीं कहता, पर आप आंख खोल के देखिए तो क्या विषय चल रहा है, किस विषय, जब चर्चा करने को हम तैयार हैं तो माननीय राहुल गांधी जी इस तरह का विषय लेंगे, हवा में बात कर रहे हैं, उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। मैं तो अपने मित्र से यही कहना चाहूंगा कि सही भाषा का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, क्या संदेश हम कांग्रेस वाले देना चाहते हैं? आखिर वजह क्या है कि चाहे वह संसद के दोनों सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके से मैं तो भाई साहब एक आपको बता दूं, मैं तो सिर्फ बौखलाहट देख रहा हूं कांग्रेस की, कोई भी तत्व पे बात करना नहीं चाहते, कोई विषय। देखिए आपको तो नीतीश कुमार ने सांप तक की उपमा दे दी। अरे नीतीश कुमार जी, तो उनकी भी बौखलाहट बाहर आ रही है ना, कुल मिलाकर ये जो भाषा आ रही है। आज मैं एक न्यूज देख रहा था, न्यूज चैनल जी टीवी पर, उसमें देखिए 54% भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रही है, तो ये बौखलाहट सांप बोलेंगे गोजर बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए बड़ी ओछी राजनीति इस समय हिंदुस्तान में चल रही है। देखिए फर्क तो देश की जनता को पड़ता है पांडे जी, देश की जनता और विश्व देखता है, ये भारत का जो संसद होता है वो पवित्र होता है, उसकी गरिमा होती है, वहां पर शालीनता का प्रयोग किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। देखिए एक संसद चलने के लिए कितना पैसा सरकार का खर्चा होता है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे मित्र कांग्रेस वाले भी बहुखूबी जानते होंगे, 60 साल उन्होंने राज किया, जिस तरह वो देश का और गवर्नमेंट के पैसे का नुकसान कर रहे हैं, ना चर्चा करके वाहियात बातें बोलना, गलत शब्द का इस्तेमाल करना, और यही चीज जो आप बोल रहे हैं, सचिन आप बोल रहे हैं, कहना है की अब सचिन जी आप बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतिहास को भुलाकर मतलब जनता की जो मेमोरी है, जनता की स्मृति है, इतनी कमजोर है, ऐसा विश्वास मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ये यही लोग थे भारतीय जनता पार्टी के कि 2004 में जब प्रथम हमारी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री को अपना मंत्रिमंडल का जो इंट्रोडक्शन है वो भी करने नहीं दिया था, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बहुत बार तो निवेदन करने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था, वो निवेदन करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री को निवेदन करने नहीं दिया था। चिदंबरम जी के ऊपर तो डेढ़ दो साल तक नहीं, सुनिए भैया लोकतंत्र, मैं सुन रहा था आपकी बात, सुनिए आपके गिरेबान में झांकना आपको पड़ेगा, ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ऊंची राजनीति करती आ रही है। देखिए पहली चीज पी चिदंबरम जी के ऊपर डेढ़ दो साल तक उन्होंने इस तरह से बैन रखा था। गणेश जी आपकी सरकार है, लेकिन सुनिए, न्यायालय ने उनको बरी करने के बावजूद किया था कि इनके कार्यकाल में पूरी तरह से अगर संसद कितनी चली, अगर ये देखें ये विपक्ष में थे तो इसका परफॉर्मेंस गए 60-70 साल का जो भी अपना परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समय बहुत कम समय चली थी। पूरी कांग्रेस जब भ्रष्ट थी, एक से एक घोटाले किए। अरे आपके भ्रष्टाचार व्यापम जैसा घोटाला है, देशद्रोही बड़े हुए आपके। सुषमा स्वराज जी क्या कह रही है, किसको दे रही है ये प्रोटेक्शन दे रही है? आपकी वसुंधरा राजे क्या कर रही है, वो कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता न चले मैं इतना सपोर्ट कर रही हूँ वो ललित मोदी के। ये बड़ा मोदी और छोटा मोदी क्या है, ये ललित मोदी की सरकार वहां चल रही है, चिक्की घोटाला क्या चल रहा है, वहां तक कॉफिन के घोटाले हुए थे आपके, तो घोटालों में तो पूरी तरह से आप बद्ध है, आज आप जवाब दे भी नहीं समझते आप इसको। सचिन जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट जनता पार्टी है, कहा देना चाहिए इसको, पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी अगर कोई होगी, विकृत मानसिकता की कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम हो गया है बोगस जनता, बोगस झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बुरी दिशा में डालना, लोगों के लिए गलत जानकारी देना, आप यही कर सकते हैं। आप जिस तरह से यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि एक महीने में अगर मैं काला धन नहीं लाया तो मुझे फांसी दे दो, क्या हुआ था उस बात का? पांडे जी इसका जवाब दीजिए, आप बताइए, जब सारे विश्व तो आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरा विश्व देख रहा है आपको, ये आप गरिमा बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान की। फिलहाल ये जो टेलीफोन पे आप ये जो बातचीत दोनों लोग कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से गुस्सा आपके भीतर भी है। हम चाहेंगे कि कम से कम अपनी बातों को, पांडे जी आप पहले सुनिए सावंत साहब की बात,
और बिस्किट घोटाला मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। देखिए देखिए मुझे बात में जा रहे हैं, मैं इतना ही कह रहा हूँ, बात कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल दोनों आदमी को मौका, यही अरुण जेटली थे, यही अरुण जेटली थे, यही सुषमा स्वराज जी थी कि जो सदन को नहीं चलना ये भी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कर उन्होंने करार दिया था। जिस तरह से सरकार का बर्ताव है कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार को मान्यता देंगे और फिर कहेंगे कि आप उस तरह से सदन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुषमा स्वराज खुद अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी, जो खुद गुनहगार है, जिस तरह से वसुंधरा राजे को बचाया जा रहा है, जिस तरह से व्यापार घोटाले में 61 महीने बोली गई है, आप उसकी जानों की भी कीमत नहीं है। देखिए उस पर चर्चा करने के लिए चर्चा की रहा, पहले कार्रवाई कीजिए ना, पहले कार्रवाई कीजिए फिर चर्चा करेंगे ना हम इसके बारे में। हमारे पास सचिन सावंत साहब आपसे और गणेश पांडे साहब आपसे, हम दोनों से बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, ललित गेट मामले में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आखिर एक दूसरे से वैमनस्य साधने के बजाय दोनों पार्टियां ललित मोदी को भारत लाने की बात क्यों नहीं करती? ललित मोदी को भारत लाने के लिए दोनों पार्टी मिलेंगे? ध्यान सुने हुए बिना आप डायरेक्ट उनको निकाल दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप स्पष्टीकरण तो ले लीजिए, आप तो मांगते हैं इस्तीफे पर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, समय की कमी है, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। सचिन सावंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल हमने महसूस किया है कि अगर हम आपे से बाहर सियासत की बात कर रहे हैं तो हमने उसको महसूस कर लिया है। भले नेता बाद में कोई भी तर्क दें, दुहाई दें, लेकिन सच यही है कि वाकई आज की जो सियासत है वो आपे से बाहर है, और यही कारण है कि हमने थोड़ी सी जो तस्वीर देखी, अगर हम विनोद तावड़े की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो बहुत सारे नेता बाकी हैं, उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो सच है वो बहुत ही कड़वा है कि आज की राजनीति आपे से बाहर है। इस खास चर्चा में इतना ही, लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।